हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताऊंगी, स्टमक से रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो द फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉब्लम्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड्स लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया। अगर किसी को वॉमिटिंग की फीलिंग आती है तो वो हार्ट बर्न एंड ब्लोटिंग, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमारे को इंडाइजेशन हो जाती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी बनती है हमारी बॉडी के अंदर स्टमक से रिलेटेड। अगर हम बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो कई बार होता है कि हमारा जो पेट है, हमें लगता है कि बहुत कई अफारा हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंडाइजेशन हो गई है, हमसे फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, भूख नहीं लगती। इसी तरह हमारा जो डाइजेशन है गलत फूड खाने से वीक हो जाता है। आज मैं आपको इसके बारे में जो ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों हैंड्स हैं हमारे, बोथ हैंड्स के अंदर मिडल फिंगर में, ये हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर में जो ये आपको निशान दिखेगा, पार्टीशन जैसी होती है, ये निशान है। इसके बिल्कुल नीचे G39 का पॉइंट होता है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का ये पॉइंट है, G39, GB39 कहते हैं इसको। ये बोथ हैंड्स के अंदर हमने इसको मार्क करना है, पॉइंट लगा लेना है। ये देख लीजिए सेंटर में ये जो हमारा निशान है, ये लाइन होती है जो हमारी, इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे सेंटर में हमने इस पॉइंट को मार्क कर लेना है, दोनों हैंड्स में और दोनों ये मिडल फिंगर में। उसके बाद इसको कंटिन्यूसली 3 मिनट्स तक इसके ऊपर सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। जो मसाज करनी है वो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, मैं आपको प्रोब से बता रही हूँ, ये एक्यूप्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू बता रही हूँ स्टिमुलेट करना। बट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप ये पेन है, जैसे कोई भी पेन लेके इसकी बैक साइड से इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज दे सकते हैं। ये नहीं है इसका कि आपने पर्टिकुलर इसी पॉइंट के ऊपर मसाज जाए, जो गॉल ब्लैडर की मेरिडियंस हैं वो काफी बड़ी हैं, तो इस करके आप इस पॉइंट के आसपास ऐसे यहाँ पे भी मसाज दे सकते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट प्रॉपर पता नहीं लग रहा है तो। ये दोनों फिंगर्स में आपने सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है 3 मिनट्स तक, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना आपको रिलीफ है। 3-4 मिनट्स तक मसाज देनी है। और ये हमारा देखिए हथेली में ये सेंटर पॉइंट है, जो हमारा पोर्शन है सेंटर का, ये इसको आपने ऐसे मसाज देनी है सर्कुलर मोशन में बोथ हैंड्स में। कलर लगा सकते हैं, जैसे ये कलर मैंने पहले लगाया है, ब्लू या ब्लैक कलर लगाना है, यहाँ पे भी आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर लगा सकते हैं। दोनों साइड्स पे लगा लीजिए, दोनों हैंड्स के अंदर सेंटर में इसको भी ऐसे मसाज देनी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, अगर कोई हाइपर एसिडिटी है किसी को तो उससे करके आप इसको मसाज दीजिए। कंप्लीट मसाज आप 5 मिनट्स तक दे दीजिए इन पॉइंट्स के ऊपर और इन पॉइंट्स के ऊपर, जिसके कारण आपको रिलीफ फील होगा। और आपने क्या करना है, मैं आपको सुजोक थेरेपी में अब ट्रीटमेंट बताती हूँ। ये मैंने कलर थेरेपी बताई है, सुजोक थेरेपी में आपने ये स्टार मैग्नेट्स, मैंने ली है स्टार मैग्नेट लिया है, बट आपने घर में सीड होते हैं मेथी दाना, आपने उसको अप्लाई करना है। एक मेथी दाना पेपर टेप के ऊपर लेकर आपने ऐसे लगा देना है, और दूसरा मेथी दाना आपने वो भी सिंगल लेना है, वो भी इस पॉइंट के ऊपर लगा देना है मार्क करके, ये देखिए इस तरह। और हर एक घंटे के बाद जो सीड होगा, जो मेथी दाना होगा, उसको आपने हल्का सा प्रेस कर देना है दोनों साइड से। इसको प्रेस कर दोगे आप हर एक घंटे के बाद, एवरी 1 आवर, ठीक है, आफ्टर एवरी 1 आवर आपने इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना, 4-5 टाइम्स करिए, इनफ है, इससे ज्यादा नीड नहीं है। तो ये पॉइंट्स को आप 7-8 आवर्स तक लगा के रख लीजिए, तो आपको खुद रिलीफ होगा। अगर किसी को नौजिया की फीलिंग आ रही है, इंडाइजेशन है, हाइपर एसिडिटी है, खट्टे कड़वे कहते हैं पानी आ रहा है, डकार आ रहे हैं, तो
तो उसमें आपको रिलीफ होगा, और डेफिनेटली रिलीफ होगा। ये आप कुछ दिन कर सकते हैं। फिर सीड को 7-8 आवर्स के बाद निकाल के आपने फेंक देना है, और नेक्स्ट डे दोबारा आपने इसको रिपीट करना है मसाज करने के बाद। अगर आपने सीड नहीं लगाना सुजोक थेरेपी में, तो आप सिर्फ कलर थेरेपी करके उसको मसाज दे सकते हैं 5 मिनट्स तक। उससे भी आपको रिजल्ट प्रॉपर आएगा। और अगर किसी को गैस्ट्रिक हेडेक हो जाती है, गैस के कारण सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि गैस के कारण कई प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टमक में हमारे कई प्रॉब्लम्स आती हैं समटाइम, जो बाहर का फूड लेने से। अगर किसी को ज्यादा गैस बन गई है और उसके कारण सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसको गैस्ट्रिक हेडेक है। तो गैस्ट्रिक हेडेक है तो उसको आपने, उसके लिए क्या करना है, आपने ये देखिए, आप ये हमारा फिंगर्स है हमारी, इस पे आपने ब्लैक कलर कर लेना है, ये पोर्शन में ब्लैक कलर। ओके, दूसरे हैंड में भी आपने ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं, सर्कल सा बना लेना है, ब्लैक कलर कर लेना है आपने। ये हमारी 8 फिंगर्स में हो गया ब्लैक कलर। इसको अच्छे से आपने अच्छी तरह से कलर अप्लाई कर लेना है, ब्लैक कलर सर्कल बना के। कहाँ करना है ये पोजीशन देखिए आप, ये हमारी 4 फिंगर्स हैं। इन 4 फिंगर्स में जो हमारी ये हथेली के साथ जॉइंट है, ये इसके ऊपर, और जो ये वाला जॉइंट है इसके मिड में आएगा। ये देखिए, ऐसे हमने मार्क करना है कलर थेरेपी से, ब्लैक कलर से कर लीजिए आप। इस हैंड में भी आपने ऐसे ही करना है, बड़े से सर्कल बनाने हैं आपने ऐसे, और इसको भी आपने मसाज करना है, ऐसे मसाज देनी है आपने सर्कुलर मोशन में 5 मिनट्स यहाँ कंप्लीट, 5 मिनट्स यहाँ इस हैंड में कंप्लीट। आप इनको मसाज दीजिए, उसके बाद कलर अप्लाई कर सकते हैं, या कलर अप्लाई करने के बाद भी आप मसाज दे सकते हैं। आप स्केच पेन यूज करिएगा और कोई कलर मत यूज करिएगा। इसको ऐसे आपने मसाज देनी है, इससे जो आपका गैस्ट्रिक हेडेक है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर हेडेक होता है तो हम ये GV20 का पॉइंट है, GV20 इसको प्रेस करेंगे, किसी पेन की बैक साइड से कर सकते हैं, ये जिम्मी है, मैं इसके थ्रू बता रही थी आपको, आप पेन की बैक साइड से कर सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल नहीं होगा जिम्मी, तो ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, सोचें कि भी जिम्मी नहीं है तो हम कैसे करें। आप पेन की बैक साइड से इसको प्रेशर दे सकते हैं 3-4 मिनट्स तक, और साथ में ये जो पॉइंट्स बताए हैं इनको आप ट्रीटमेंट इस पे दे सकते हैं। और अगर ठंड से रिलेटेड हेडेक होगा आपको, तो आप ये पॉइंट्स मैंने बताए थे, अगर बाहर ठंडी हवा लग गई है, तो ये हमारी आईब्रो पे स्टार्टिंग है, ब्रिज ऑफ आवर नोज, ये देखिए आईब्रो की स्टार्टिंग पे ये पॉइंट है, तो जिसके करके आपको जो भी अगर हेडेक है तो उसमें रिलीफ मिलेगा। मोस्टली जो फील करते हैं वो गैस्ट्रिक हेडेक करते हैं, क्योंकि आजकल जो हम फूड खाते हैं वो फूड प्रॉपर नहीं होता हमारा, वो बाहर के मसाले तेज और बाहर का खाना खाने से हमारी बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी पेट में कई प्रॉब्लम्स हम फील करते हैं, जिसके कारण इंडाइजेशन के कारण हमें कई वॉमिटिंग्स, नोजिया और कई प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइपर एसिडिटी वगैरह बनती है, तो एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, उसके कारण भी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो आप ये सारी ट्रीटमेंट करिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका रिजल्ट। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।